हेलो डियर पेरेंट्स, मेरा नाम है योगेश कोरे। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट अगर बच्चों के पढ़ाई में बराबर से होती है तो बच्चों के पढ़ाई में काफ़ी प्रोग्रेस होती है। पेरेंट्स ने बच्चों के पढ़ाई में प्रोग्रेस करने के लिए इन तीन बातों पर फोकस करना चाहिए। फर्स्ट टाइम, सेकेंड मनी एंड थर्ड इज एनर्जी। अब देखते हैं कि इन तीनों का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट टाइम, टाइम ज़्यादा दो या कम दो, लेकिन उन्हें डेवलप करने में, मतलब पढ़ाई में और संस्कारों में, आपने हर रोज़ इफ़ेक्टिव टाइम कितना दिया है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरा दिन सिर्फ उनके साथ हो और आपके ही काम में बिजी हो, या व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, या इंस्टाग्राम पे, या मेल चेकिंग कर रहे हो, मे बी सोशल मीडिया पे हो, या मे बी आप घर के काम कर रहे हो, तो आपके बच्चों के डेवलपमेंट में उस दिन का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़ीरो है। बहुत से पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि हम बिज़ी हैं, तो हम उनके लिए उनके पढ़ाई में उतना टाइम नहीं दे सकते हैं। तो मेरा उन पेरेंट्स से यही कहना है कि आप इतने बिज़ी भी नहीं हो कि आपने पिछले तीन दिनों से ब्रश भी नहीं किया है, आप नहाए भी नहीं हो, आपने ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर भी नहीं किया है, आप पूरे दिन व्हाट्सएप पर एक बार भी आपने चैटिंग नहीं की है, या आप टॉयलेट भी नहीं गए हो, आप एक हफ्ते से ये सभी काम नहीं कर रहे हो, आप फोन पर रिलेटिव्स या दोस्तों से भी बात नहीं कर रहे हो, आपको ऑफिस में बहुत काम है, आप ऑफिस में ही हो, आप घर पर जरा भी नहीं आए हो, तो सचमुच आप इतने बिजी भी नहीं हो कि आप दिन में आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए 15 या 20 मिनट भी नहीं दे रहे हो। अब पेरेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर ठीक है, हम उसकी पढ़ाई में इंटरेस्ट लेने के लिए तैयार है, वी विल बी इन्वॉल्विंग इन स्टडी, तो आपको क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? तो मेरा ये कहना है कि पहले आप YouTube पर मेरी एक सीरीज़ है जिसका नाम है स्टडी मेथड ऑफ स्कॉलर स्टूडेंट्स, उसके सभी पार्ट्स कम से कम 4 से 5 बार देखो। उसमें मैंने सब डिटेल में समझाया है। अब आपको इन 11 पॉइंट्स को फॉलो करना है। सो फर्स्ट पॉइंट इज चेक नोटबुक एवरी डे। इसमें आपको यह देखना है कि वो स्कूल या क्लास की नोटबुक कंप्लीट करके घर आ रहा है या इनकम्प्लीट रखकर ही घर आ रहा है। अगर वो इनकम्प्लीट रखकर ही आ रहा है तो आपके स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप से उसके किसी दोस्त के नोटबुक के फोटो लेकर उन्हें कंप्लीट करने के लिए उसके साथ बैठो। और अगर वो रोज ही इनकम्प्लीट रखकर आ रहा है तो आप उसके स्कूल में जाकर टीचर से मिलो, लेकिन 10 बार आप उसे मुंह पर यह मत बोलो कि तू स्लो है, तू स्लो है, तू स्लो है। सेकेंड पॉइंट इज रिवाइज सेम डे। आज उसे स्कूल में जोर से लेसन पढ़ाया है तो आप उस लेसन को टेक्स्ट बुक से उससे रीड करवाओ। यहां पर आपको यह ध्यान में रखना है कि हर पैराग्राफ वो जोर से रीड कर रहा है और आप उसे उस पैराग्राफ को इंग्लिश में और आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है उसके मिक्सचर में आप उसे एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहे हो, और वो आपकी लोकल लैंग्वेज और इंग्लिश में वो हर पैराग्राफ आपको एक्सप्लेन करके बोल रहा है। यहाँ पर आपको यही गारंटी होनी चाहिए कि उसे उस लेसन के हर पैराग्राफ का अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हुआ है और वो आपको एज अ टीचर एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब यह है कि वंस टीचिंग इज ट्वाइस लर्निंग, मतलब आपका बच्चा अगर आपको पहली बार एक्सप्लेन कर रहा है तो उसी समय वो दूसरी बार उस लेसन को लर्न कर रहा है। उसके बाद उस लेसन के नीचे जो एक्सरसाइज दिए हैं उसके आंसर्स उसे पूछो, उसे एक्सप्लेन करने के लिए बोलो, ताकि आपको यही समझ में आएगा कि वो सिर्फ रट्टा नहीं मार रहा है बल्कि अंडरस्टैंड करके आपको सब क्वेश्चन के आंसर एक्सप्लेन कर रहा है। आजकल बहुत से क्वेश्चंस लेसन के नीचे दिए हुए एक्सरसाइज से भी आते हैं और लेसन के अंदर से भी आते हैं, तो आपको उसके लेसन की अंडरस्टैंडिंग और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर ही फोकस करना पड़ेगा।
एंड थर्ड पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर. स्कूल या बोर्ड के पिछले 3 या 4 साल के क्वेश्चन पेपर्स आपके पास एकेडमिक ईयर के शुरुआत में ही होने चाहिए. तब आप उनके उपयोग से पेपर पैटर्न पहले ही जान सकते हो, मतलब सीन पैसेजेस, अनसीन पैसेजेस, पोएम्स, ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, इन सब में क्या क्या होता है. वो देखने के बाद ही आपकी साल भर की पढ़ाई की प्लानिंग इजी और इजी और इजी हो सकती है. फोर्थ पॉइंट इज राइटिंग प्रैक्टिस. साइंस के डायग्राम्स हो या क्वेश्चन के आंसर्स हो या मैथ्स के सम्स हो, उसे रफ बुक में लिखने के लिए बोलो. यहाँ पर बिना देखे क्वेश्चन के आंसर्स, मैथ्स के सम्स, डायग्राम्स, ये सभी बिना देखे लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है. फिफ्थ पॉइंट इज एक्सेप्टेड मेथड और आंसर. मैथ्स के सम सॉल्व करते समय उसके स्कूल में कौन सी मेथड एक्सेप्टेड है, वही आप यूज करके उसे स्कूल के नोटबुक में दिए हुए सम्स स्टेप वाइज सॉल्व करने के लिए बोलो. क्वेश्चन के आंसर लिखते समय स्कूल के नोटबुक में स्कूल के टीचर्स ने जो आंसर्स दिए हैं, उनके जो सीक्वेंस है, उनके जो पॉइंट के सीक्वेंस है, जिस तरीके से दिए हैं, आप सेम टू सेम उससे वही अंडरस्टैंड करवा लो, उससे वही बायहार्ट करवा लो और उससे वही प्रिपेयर करवा लो, ताकि वो एग्ज़ाम में स्कूल जो एक्सपेक्ट करता है या बोर्ड जो भी एक्सपेक्ट करता है वही एग्ज़ाम में वो लिख सकता है. सिक्स पॉइंट इज टेबल. उसके 30 तक के सभी टेबल्स बायहार्ट होने चाहिए. सेवन पॉइंट इज प्री प्रिपरेशन. स्कूल में या क्लास में लेसन पढ़ाने के पहले अगर एज अ पेरेंट्स आप घर पर ही उसकी तैयारी करते हो और उसके बाद ही उसे स्कूल में या क्लास में भेजते हो, तो आप सचमुच एक अच्छे पेरेंट्स हो. यहाँ पर आपको मेरा सैल्यूट. एट पॉइंट इज रिवीजन चार्ट. एकेडमिक ईयर के शुरुआत से एग्ज़ाम तक जितने भी लेसन्स हैं और उसके सभी आंसर्स रेगुलर इंटरवल में कम से कम 8 से 10 बार बिना देखे बोले जाने चाहिए और 5, 6, 7 times बिना देखकर लिखे जाने चाहिए. यही होती है साइंटिफिक रिवीजन. एंड 9 टॉपिक इज सेल. सेल मतलब सीरियस अबाउट लाइफ. रीडिंग ऑफ मोटिवेशनल स्टोरीज और वॉचिंग मोटिवेशनल स्टोरीज ऑन यूट्यूब, इससे आप उसके सेल पर काम कर रहे हो, मतलब सीरियस अबाउट लाइफ. सो 10 पॉइंट इज बी हिज फ्रेंड. सो यू हैव टू स्पेंड टाइम ऑन एंटरटेनमेंट विथ हिम और हर, मतलब आप उसके अच्छे दोस्त बनो. सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई के बारे में उसके साथ बात करने से अच्छा है कि आप उसके साथ एंजॉयमेंट करते हो, उसके साथ आप यू आर हैविंग फन विथ हिम ऑल्सो. एंड 11 पॉइंट इज स्पेंड मनी. हम पैसा कमाते ही इसलिए है कि उनकी पढ़ाई अच्छी हो. यहाँ पर आप उसकी स्टडी इजी करने के लिए जितना भी खर्चा करते हो तो वो भी कम है. सो ऑल द बेस्ट. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियोस आपको बहुत ही आसानी से हमारी तरफ से मिलते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच.